हेलो एवरीवन, मुक्त शिक्षा विद्यालय स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग स्टाफ वैकेंसी आई है। परमानेंट पोस्ट रहने वाली हैं, अलग अलग पोस्ट हैं। 10th, 12th ग्रेजुएट पास स्टूडेंट यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को करना होगा। सैलरी यहां पर 29,000 से लेकर 92,000 यानी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी। बिल्कुल गवर्नमेंट परमानेंट जॉब रहेगी। तो चलिए एडवर्टीजमेंट जो है हम कम्प्लीट देखेंगे, कैसे जो है अप्लाई आप करेंगे, कहाँ पर आप लोगों को लिंक मिलेगा। न्यूज़पेपर में जो है वो पहले पब्लिश हुआ, 11 अक्टूबर को जो है ये आ चुका था, बट मेन वेबसाइट पर जो है वो कल ही जो है जारी किया गया है। मुक्त शिक्षा विद्यालय स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यहाँ से जो है वैकेंसी है और जॉब लोकेशन जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली रहेगी। तो यहाँ पर जो है लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की बिल्कुल लिखी हुई है। यहाँ एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट जो है वो 4 नवंबर 2023 यहाँ पर रखी गई है। अलग अलग पोस्ट हैं, हायर पोस्ट भी है और उसके अलावा जो है 10th 12th ग्रेजुएट पास स्टूडेंट के लिए भी जो है अलग वैकेंसी है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 10th पास की है, 12th पास कर ली है, ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट स्थायी नौकरी रहने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट का नाम देख लेते हैं, उसका टोटल वैकेंसी और डिटेल जानेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर जो हायर पोस्ट है, डिप्टी रजिस्ट्रार की, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, जूनियर प्रोग्रामर की, जूनियर इंजीनियर की, सीनियर असिस्टेंट की और टेक्निकल असिस्टेंट की। तो ये जो पोस्ट हैं 7 पोस्ट, तो इनको जो है वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी हायर पोस्ट है। यदि कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो बिल्कुल इसके सामने लिंक दिया हुआ है, तो इसको ओपन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की है, असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट की, ड्राइवर की, लैब अटेंडेंट की। आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है जिसमें 37 पोस्ट हैं और असिस्टेंट की जो है जिसमें 14 पोस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा लैब अटेंडेंट की जो है वो 1 पोस्ट है। तो यहाँ पर जो सामने लिंक दिया हुआ है एक एक करके जो है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर देखने वाले हम लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन केवल 10th मांगी गई है, केवल 10th मांगी गई है, इसके अलावा कुछ नहीं मांगा गया है। और अगर किसी ने इसके इक्विवेलेंट यानी 12th कंप्लीट किया है साइंस साइड के साथ तो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। एज लिमिट जो है वो 30 साल यहाँ पर रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, तो यहाँ पर एक एग्जाम होगा आप लोगों का और ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, एमसीक्यूज होंगे, जनरल साइंस और अवेयरनेस, इसके क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। 300 मार्क्स का जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहेगा। सिलेबस जो है वह भी नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ज्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। 10th लेवल तक जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ के आए हैं वो आराम से जो है वो क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद जो है जूनियर असिस्टेंट जिसमें पे लेवल जो है वो 2 के अकॉर्डिंग मिलेगा या सैलरी, तो यहाँ 12th पास स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 35 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी टाइपिंग जो है वो मांगी गई है। 27 साल जो है वो उम्र रखी गई है। यहाँ पर भी जो है एक एग्जाम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम की जो स्कीम है, जनरल अवेयरेंस 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन, मैथ 50 क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश 50 क्वेश्चन, इस तरीके से आपका एग्जाम रहेगा। और आगे जो है एग्जाम कब होगा इसकी सूचना जो है इसी वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ही आती है मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि क्वालिफिकेशन ज्यादा हायर नहीं मांगी गई है। असिस्टेंट के लिए जो है पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग यहाँ सैलरी मिलेगी, केवल ग्रेजुएट पास स्टूडेंट, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिससे भी आपने किया है, ठीक है। और जो है आप लोगों को कंप्यूटर की यहां पर नॉलेज मांगी गई है। ऐसा नहीं है कि जो है यहाँ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा है, केवल ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम से, और आपको जो है कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ठीक है। 30 साल जो है यहाँ पर एज लिमिट कही गई। असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पर भी आप लोगों का जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एक जो है एग्जाम होगा और क्वेश्चन जो है आप लोगों के वही जनरल अवेयरेंस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे। तो आप लोगों का यहाँ जो सिलेबस है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। अब जो हम बात कर लेते हैं आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे हमने एडवर्टीजमेंट देखा था, तो यहाँ सबसे ऊपर ये नीचे एडवर्टीजमेंट आपको नजर आया था जो मैंने आप लोगों को दिखाया कितनी पोस्ट है, और यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो यहीं पर आपको देखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑफिसर ऑब्लिक स्टाफ, ठीक है। तो स्टाफ के लिए जो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डालना चाहते हैं, क्लिक हेयर टू अप्लाई, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई। जैसे ही आपने इस पर क्लिक कर लिया तो आपके सामने जो है ये पेज ओपन हो गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑफिसर्स ऑब्लिक स्टाफ रजिस्टर्ड। आप लोगों को यहाँ ईमेल एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग अपना फॉर्म फिल
कर सकते हैं। तो ये डिटेल में एडवर्टीजमेंट जो मेन वेबसाइट पर जारी हो गई तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर फॉर्म डालें, क्योंकि ज़्यादा हाईर पोस्ट भी हैं और ऐसी पोस्ट भी हैं जहाँ 10th 12th ग्रेजुएट पास स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो है आप अच्छे से पढ़ लेंगे, फॉर्म फिल करने से पहले जो है आप लोग जरूर भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है फीस भी जो है वो दी हुई है। ठीक है, जैसे कि जनरल कैंडिडेट जो है इनकी फीस जो है वो 1000 रुपये लिखी है, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस वुमेन कैटेगरी की 800 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी की कैटेगरी की 600 है। अब देखिए परमानेंट वैकेंसी है, सरकारी नौकरी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और यहाँ पर सिलेबस भी जो है वो इतना ज़्यादा जो है बड़ा नहीं है और ना ही जो है इतना कठिन दिया गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हैं जरूर फॉर्म फिल करना चाहिए। ऐसी वैकेंसी जो है वो बहुत कम निकलती हैं और सूचना जो है वो बच्चों को बहुत कम मिल पाती है। तो बिल्कुल हर जो भी टीचिंग से जुड़ी, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी, बिल्कुल मेरे चैनल पर आप लोगों को समय पर मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।